नमस्कार दोस्तों, मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यमी और टेस्टी अचार है। जिस तरह आप बनाते हैं उस तरीके का नहीं बना है, कुछ अलग तरीके से बनाया गया अचार है। तो दोस्तों, आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिएगा और ये अचार की रेसिपी ज़रूर आप बना कर देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें सपोर्ट करता है दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी उसमें दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं तेलुगु अचार बनाने। यहाँ मैंने कैरी ले ली है। कैरी को मैंने पहले सब पानी से इसे वॉश कर लिया था। ये पक्के कोयले की कैरी है तो मैंने इसका कोयला कट नहीं किया है। अगर आपके पास कच्चे कोयले की कैरी हो तो आप उसे कोयले के साथ ही कट कर सकते हैं। इसे मैंने छोटे छोटे शेप में कट किया है, जैसे हम घर में नॉर्मल आलू कट करते हैं उसी तरह से। बस इन्हें कट कर दिया है मैंने, कट करके और इन्हें एक बर्तन में, बड़े बर्तन में डालकर रख दिया है। अब इसमें हम हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। तेलंगु अचार है तो इसमें कुछ अलग मसाले जाएंगे, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। 4 से 5 कैरियाँ हैं तो ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं जाएगा। 1 से 1.5 चम्मच के करीबन डाला है, और 2 चम्मच के करीबन मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हो तो थोड़ा सा कम कर डाल दें। और यह अचार ज़्यादा खट्टा नहीं बनता है, जैसे नॉर्मल कैरी का अचार होता है उस तरह का नहीं बनता है। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ इससे पहले शेयर कर चुकी हूँ, वो ऐड कर लेंगे। नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी मैंने 1.5 चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि कम होने पर हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होने पर नहीं मिक्स कर सकते हैं, तो इसीलिए पहले कम ही डालें। और अब इसमें मैं अपना जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डाल दूंगी। ये 2 से 3 चम्मच करीबन मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो इसे मैं हाथों से ही प्रिपेयर करूँगी मिक्स करना पूरा। अभी इसमें हमारा से नीचे एक और करते हुए इंग्रेडिएंट में जाएगा, हमारा अदरक लहसुन का कि बस पेस्ट बन मिक्स गया कर और इसे लेंगे। अब धूप में रखना है, ऐसा नहीं है। पहले आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहे मेरे साथ। ये देखिए, अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद बिल्कुल एकदम ड्राई कंटेनर में हमें इसे डाल देना है, बिल्कुल सूखा कंटेनर, जिसे कि धोने के बाद हम इसे धूप में सुखा के और उसकी जो अंदर से बिल्कुल हवा है वो मतलब निकाल देनी है। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है, और मैंने इसे एक सूखे कंटेनर में डाल दिया है। आप चाहे तो कांच का कंटेनर लें, चाहे तो आपके पास ना हो तो आप प्लास्टिक का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे डाल के इस बर्नी में भर लिया है, और अब मैंने जो मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो है नेक्स्ट इसमें ऑयल। मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप किसकी जगह पे सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और सरसों का तेल ना हो तो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर लीजिए। इसे लेने के बाद बिल्कुल इसे मैंने स्मोकी पॉइंट पे इसे गर्म कर दिया है, यानी बिल्कुल तेज़ गर्म कर लेना है इसे। और गर्म करने के बाद इसमें हम इसको हल्का सा ठंडा करके इसमें हम हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद फिर हमें इसे पूरी अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। हींग मैंने 1/2 चम्मच के करीबन ली है, क्योंकि अचार इतना ज़्यादा नहीं है तो मैंने 1/2 चम्मच ही लिया है। और हींग डालने के बाद हमने गैस बंद कर दी है, और हींग हमारी हल्की सी भुन चुकी है, और इसे तेल को हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद ही हम इसे हमारा जो अचार है उसमें ऐड कर लेंगे, और इसे बिल्कुल हम एयर टाइट करके यानी ढक्कन लगा के धूप में रख देंगे। 2 से 3 दिन में ही हमारा ये अचार जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें ऑयल जो है फुल होना चाहिए, यानी ऊपर तक होना चाहिए। अभी मेरा इसमें कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी, क्योंकि अगर ऑयल कम होगा तो अचार जल्दी ख़राब होने का डर रहेगा, इसलिए ऑयल ऊपर तक होना चाहिए। तो अब इसे मैं 2-3 दिन तक धूप में रख देती हूँ, और धूप में रखने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। इसे रखे हुए धूप में 2 दिन हो चुके हैं, और धूप में से मैं इसे ले आई हूँ अंदर। और ये देखिए, हमारी कैरी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल गल चुकी है। 2 ही दिन में मेरा जो अचार बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, और आप ऑयल भी इसमें देख पा रहे हैं। ये देखिए, पूरा अच्छे से इसमें दिख रहा है अचार और मसाला। ये देखिए, कैरी भी दिख रही है, तो कैरी जो है आप दिख रही है आपको,
तो इस तरह से बस आप ये अचार बनाइए और रोटी या राइस आप किसी के साथ भी इसे साइड के रूप में सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और यमी अचार है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।